पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। सिगारी ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या करी, परिवार का 1-1 करोड़ रुपया दे है सरकार, आईजी का हटाओ। मध्य प्रदेश के गुना जिले में देर रात पुलिस और सिकारियों में मुठभेड़ हो गई। इनमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आपात बैठक के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के परिवारों का 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि दावे की घोषणा करी है। घटनास्थल पर देरी से पहुंचे किला ने ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा का हटावे को फैसला करोगा है। गुना के आरोन इलाके के जंगल में शनिवार तड़के पुलिसकर्मी काले हिरण के शिकार के मामले में सर्चिंग कर भी गए थे। इधर शिकारियों ने छिपके उन पर फायरिंग करी। गुना पुलिस को कैबो है कि सगा बरखेड़ा की तरफ से बदमाशन के जाबी की सूचना मिली थी। इनकी घेराबंदी के लाने 3-4 पुलिस टीम लगाई गई थी के बाद सहरोग के जंगल में 4-5 बाइक से बदमाश जात भी दिखे। पुलिस ने घेराबंदी करी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। शिकारियों के पास से 5 हिरण और 1 मोर के अवशेष जब्त करे गए हैं। घटना तड़के 4 बजे की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक के बाद कही है कि हमारे पुलिस के मित्रन ने शिकारियों का मुकाबला करत बह शहादत दी थी। ई घटना में दोषी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है जो इतिहास में उदाहरण बन है। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है, एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटनास्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। घटना के बाद पहुंचने में देरी करने वाले ग्वालियर आईजी का तत्काल हटावे को फैसला करो है। हमला करने वाले में 7 शिकारी शामिल थे। उनमें से राघोगढ़ निवासी एक शिकारी नौशाद क्रॉस फायरिंग में मारो गए। नरोत्तम बोले हैं कि ऐसी कार्रवाई कर हैं जो नजीर बन है। गुना की घटना पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि घटना बहुत दुखद है। कछु बदमाशन की सूचना पुलिस का मिली, बदमाशन ने अपने आप का चारों तरफ से घेरा देख के फायरिंग शुरू कर दी। हमारे एक SI, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शहीद हो गए। सभी से ही संपर्क में है और लगातार बदमाशन की घेराबंदी करी जा रही है। वे जल्द उन्हें पकड़ है और इन बदमाशन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ। पुलिस अधीक्षक से, DGP से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव SI, नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से
बच के जा नहीं सकते, और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी, ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। आपात बैठक के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस शामिल भए, डीजीपी बैठक में वर्चुअली शामिल भए, और उनके अलावा एडीजी इंटेलिजेंस, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल भए। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वर्चुअली बैठक में शामिल भए। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की, जय बुंदेलखंड।